चाहिए क्योंकि कुछ दिनों पहले जो ये आत्महत्या का प्रकरण सामने आया है, ये बड़ा दुख पहुंचाने वाला प्रकरण है। और कभी किसी की मौत होती है तो सभी को दुख होता है, और जिन परिस्थिति में हुई है, बहुत ही दयनीय और गरीब परिवार है, एक शेड्यूल ट्राइब आदिवासी समुदाय से आने वाले परिवार में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है, हम सबके लिए बड़ा एक सदमा है। और कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर उसकी जान जाती है तो सबको दुख होता है, और विशेष रूप से जब कोई आत्महत्या करता है तो सचमुच बहुत दिल दहलाने वाली घटना होती है। अब मैं भी परिजनों से मिला हूँ, उनके पिताजी से, उनके भाई से, उनके बेटे से, और उन्होंने कुछ बातें बोली हैं। मैं तो उतना ही कहूँगा कि उनका दुख बांटने आज हम सब लोग आए थे, और इस पूरे प्रकरण में एक बहुत ही निष्पक्ष और एक समय सीमा बांधने के बाद एक जांच होनी चाहिए। जो भी तथ्य इस प्रकरण के अभी तक सामने आए हैं उसका संज्ञान लेते हुए एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो, और मुझे लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय देने के लिए न्यायपालिका है, पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, और मैं चाहता हूँ कि जिम्मेदारी से इस पूरे प्रकरण का, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, बहुत से आरोप लगाए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ लिखित स्टेटमेंट्स हैं, कुछ वीडियो स्टेटमेंट्स हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए, सच्चाई का पता लगा जाना चाहिए। और परिजन जो आज इतने दुखी हैं, और इनका बहुत ही गरीब परिवार से हैं, आप सबने देखा होगा, तो दुखी मन से किसी ने आत्महत्या की है तो ये बहुत बड़ा एक मसला है, मैं समझता हूँ। और इसमें हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इसमें आरोपी हैं या नहीं हैं, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इस परिवार को विश्वास दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है कि न्याय मिलेगा, और न्याय डिले नहीं होना चाहिए। अभी बता रहे हैं कि इसमें कुछ लिपापोती करने की बात सामने आई है या कुछ इनकी सुनवाई ढंग से नहीं हो रही है, तो मैंने अभी सबसे मुलाकात की है, अपना इनका दुख बांटने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकरण में बहुत जल्द न्याय मिलेगा, और जो भी सरकार को कदम उठाने हैं उठाने चाहिए, और पुलिस प्रशासन को बिना दबाव के निष्पक्ष होकर एक जांच गठित करनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में विश्वास कायम रहे। जो व्यवस्था हमारे प्रदेश में है और देश में है, उस व्यवस्था से इन लोगों का मन हटना नहीं चाहिए। इसलिए सभी एविडेंस को, प्रमाणों को, सर्कमस्टांसिस को सबसे बात करने के बाद एक जांच गठित हो और न्याय लोगों को मिले, इस परिवार को न्याय मिले, ये हम सब सामूहिक रूप से मांग रहे हैं। पावरफुल कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री का नाम आ रहा है, परिवार पीड़ित में रहते हुए जांच उपायगी, पावरफुल कैबिनेट मंत्री का नाम है। तो देखिए, हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या उनको करना नहीं करना, और मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि न्याय मिले, और पीड़ित परिवार, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, अमीर हो, गरीब हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हम सबकी एक सामूहिक कोशिश होनी चाहिए, और न्याय मिलता हुआ दिखना भी चाहिए। जांच प्रभावित ना हो, कोई दबाव उनके ऊपर ना आए, और जांच निष्पक्ष हो, ये भी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। सर, पीड़ित परिवार से आप मिले हैं, पीड़ित परिवार ने डर का माहौल जताया है कि डर लग रहा है उन्हें, पूछताछ कुछ नहीं हुई है, नहीं, ये सभी परिवार वाले बोल रहे हैं कि उनको आशंका है, क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं और कहीं दबाव उन पर पड़ रहा होगा। इसलिए इसमें तो तुरंत प्रभाव से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिले क्यों हो रहा है, इसमें जांच होनी चाहिए, और जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो विटनेसेस की बात है, जो इनके स्टेटमेंट्स हैं, वो रिकॉर्ड करके कार्रवाई, अगर कार्रवाई होती हुई दिखेगी तो इनके मन में कुछ भरोसा जगेगा कि न्याय हमको मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि किसी पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, मैं भी किसी के पक्ष विपक्ष नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसकी मौत हुई है उसके परिजन जो डिमांड कर रहे हैं, उन मांगों को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप ही के पार्टी के लोग यहाँ पे आज तक आए नहीं है, मिलने के लिए नहीं है, सरकार के लोग नहीं आए, कांग्रेस नहीं, जैसे भी कर्नाटक में एक ठेकेदार ने एक मंत्री का नाम लेकर डेथ कर ली तो उसकी रिजाइन। देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन को सच माना जाता है, कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन को सच माना जाता है, मैं जानता हूँ, लेकिन इंक्वायरी के बाद ही इस पे सत्य सामने आएगा। किसी व्यक्ति को इस्तीफा देना है नहीं देना, उसको रखना है नहीं रखना, ये मैं समझता हूँ उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है और मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का नैतिकता का अलग पैमाने होते हैं, लेकिन न्याय परिवार को मिले, ये मैं चाहता हूँ।